हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने डेथ नोट एनिमे फ्रेंचाइजी को स्टडी किया है, जिसमें मैंने एक एनिमे सीरीज और दो एनिमे मूवीज देखी हैं, और इन मूवीज का नाम है डेथ नोट रेलाइट 1 विजन्स ऑफ ए गॉड, जो कि सन 2007 में रिलीज हुई थी, एंड डेथ नोट रेलाइट 2 एल सक्सेसर, जो कि सन 2008 में रिलीज हुई थी। इन दोनों एनिमे हॉरर मूवीज को तेत्सुरो अराकी ने डायरेक्ट किया है, और ये मूवी सुगुमी ओहबा के द्वारा लिखे गए जापानीज मांगा सीरीज डेथ नोट के ऊपर बेस्ड है। असल में तेत्सुरो अराकी ने पहले डेथ नोट के ऊपर 2006 में एक एनिमे सीरीज बनाई थी, जिसके बाद उन्होंने उसी स्टोरी को एडिशनल प्लॉट पॉइंट्स के साथ दो मूवीज में डिवाइड करके रिलीज किया। IMDb पे डेथ नोट एनिमे सीरीज को मिले हैं 9 stars out of 10, और रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 100% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 96%। इसके अलावा IMDb पे डेथ नोट पार्ट 1 मूवी को मिले हैं 7.5 stars out of 10, और डेथ नोट पार्ट 2 मूवी को मिले हैं 7.3 stars out of 10। अब क्योंकि एनिमे सीरीज के साथ साथ मूवी में कुछ एडिशनल डिटेल्स इंक्लूड किए गए हैं, जिनसे हम कुछ एडिशनल थियरीज को डिस्कस कर पाएंगे, तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर डेथ नोट एनिमे फ्रेंचाइजी के फर्स्ट हाफ के स्टोरी को डिटेल में जानेंगे, ताकि अगली वीडियो में हम सेकेंड हाफ की स्टोरी और थियरीज को डिस्कस कर पाएं। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे दूसरे चैनल द लोगीज पे नई वीडियो आ चुकी है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब आप लोग जिस तरह से मुझे हॉन्टिंग ट्यूब पे सपोर्ट करते हैं, ठीक उसी तरह से लोगीज पे भी सपोर्ट कीजिए, ताकि हम जल्दी से 50K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर पाए। तो प्लीज लिंक पे क्लिक कीजिए, वीडियो देखिए, और अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। दोस्तों, डेथ नोट फ्रेंचाइजी की स्टोरी शिनिगामी रिल्म, यानी कि गॉड्स ऑफ डेथ के रिल्म से शुरू होती है, जहां एक शिनिगामी रियुक नाम के एक और शिनिगामी से उसके अर्थ से रिलेटेड एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है, और रियुक उस शिनिगामी को एक ह्यूमन जिसका नाम लाइट यागमी था उसके स्टोरी के बारे में बताने लगता है। लाइट यागमी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, जिसे डेथ नोट नाम की एक बुक मिली थी, और इस बुक में जिसका भी नाम लिखा जाता था उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, अनलेस बुक में डेथ का कोई स्पेसिफिक रीजन लिखा गया हो। लाइट इस बुक को यूज करके टेस्ट करता है इफ इट वॉज रियल, और वो नोटिस करता है कि नाम के साथ साथ लिखने वाले को विक्टिम का चेहरा भी पता होना चाहिए। 5 दिन बाद लाइट को रियुक आकर मिलता है, जो कि उस डेथ नोट का ओनर था, और वो लाइट को बताता है कि उसने जानबूझकर डेथ नोट को ह्यूमन वर्ल्ड में डाला था क्योंकि ही वॉज बोर्ड। अब लाइट रियुक से पूछता है इफ रियुक वॉज गोइंग टू पनिश लाइट, क्योंकि उसने रियुक की डेथ नोट यूज कर ली है, तो रियुक लाइट से कहता है कि डेथ नोट को यूज करने वाला इंसान ना तो हेवन ना ही हेल में जाता है, और जब यूजर के मरने का टाइम आएगा तो रियुक खुद उस यूजर यानी कि लाइट का नाम अपने डेथ नोट में लिख देगा। खैर, लाइट अब डेथ नोट के पावर्स को यूज करके वर्ल्ड के सारे क्रिमिनल्स को मारने लगता है, ताकि वो एक न्यू वर्ल्ड बना सके जिसमें कोई क्राइम्स ना होता हो, और वो उस नए वर्ल्ड का गॉड बन सके। लोगों में क्रिमिनल्स को मारने वाले ये किलर, जिसे सब कीरा नाम देते हैं, वो अब काफ़ी पॉपुलर होने लगता है, और मीनवाइल ICPO नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होती है, जो कि कीरा को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ICPO कीरा को पकड़ना चाहते थे, बिकॉज व्हाट कीरा वाज डूइंग वाज सिंपली मर्डर्स। लाइट अपने डेथ नोट को एक ट्रैप की मदद से अपने ड्रॉअर में छुपा कर रखता है, क्योंकि अगर कोई भी इस डेथ नोट को टच करेगा तो उन्हें रियुक दिखने लगेगा। इसी बीच ICPO एल नाम के एक डिटेक्टिव को कांटेक्ट करते हैं, जो कि एक फेमस डिटेक्टिव था, और एल कीरा को टेस्ट करने के लिए टीवी पर एक एक्ट स्टेज करता है, जिसमें वो एक क्रिमिनल को यूज करके कीरा को ये बताता है कि वो एल है। कीरा इस आदमी का नाम डेथ नोट में लिखता है, जिससे उस क्रिमिनल की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, पर रियल एल सेफ होता है, और वो समझ जाता है कि कीरा लोगों को कहीं से भी मार सकता है, प्रोवाइडेड कीरा को विक्टिम का नाम और चेहरा पता हो। इतना ही नहीं, एल ये ब्रॉडकास्ट उस समय सिर्फ जापान में कर रहा था, और क्योंकि कीरा ये ब्रॉडकास्ट को एक्सेस कर पा रहा था, तो एल डिड्यूस करता है कि कीरा जापान में ही है। यहाँ से लाइट, जो कि कीरा है, और एल की चूहे बिल्ली वाली गेम शुरू हो जाती है, और एल को क्रिमिनल्स के डेथ के टाइमिंग से पता चलता है कि कीरा एक स्टूडेंट है जिसका पुलिस के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है, क्योंकि कीरा के पास पुलिस रिकॉर्ड्स के इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थे।
इसी दौरान रियुक लाइट को एक प्रपोजल देता है जिसके अनुसार लाइट को शिनिगामी आईज मिल सकते हैं ताकि वो किसी का चेहरा देखकर उनका नाम और लाइफ स्पैन जान सके, पर इसके लिए लाइट को अपने बची हुई जिंदगी की आधी लाइफ स्पैन खोनी होगी और लाइट इसे इनकार कर देता है। वहीं दूसरी तरफ शिनिगामी रेल में कुछ शिनिगामी डिस्कस करते हैं कि रियुक के पास दो डेथ नोट्स हैं और अर्थ पे लाइट डेथ नोट की कैपेबिलिटीज को कुछ प्रिजनर्स के ऊपर टेस्ट करता है। यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि लाइट को कोई फॉलो कर रहा है और जब लाइट इस बात को जानता है तो वो एक इलैबोरेट प्लान बनाता है जिसमें लाइट एक डेट पे जाता है और वो अपने बस को एक क्रिमिनल से हाईजैक करवाता है। बस में लाइट को फॉलो करने वाला आदमी रिवील करता है कि वो रे पिनबार है जो कि एक FBI एजेंट है और बाय द एंड उस हाईजैकर की बस से उतरने पर एक कार से मौत हो जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि डेथ नोट को यूज करने वाला इंसान अपने विक्टिम्स के एक्शंस को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है। यानी कि लाइट अपने विक्टिम से इम्पॉसिबल टास्क नहीं करवा सकता लेकिन वो ह्यूमनली पॉसिबल टास्क करवा सकता है, लाइक बस हाईजैकिंग करके मरना इत्यादि। पर रे पिनबार को इस बारे में पता नहीं था और उसे लगता है कि क्योंकि लाइट का उस क्रिमिनल को मारने में कोई हाथ नहीं था तो ही कांट बी कीरा, और रे अपने घर अपने फियोंसे नायोमी के पास जाता है जो कि एक फॉर्मर FBI एजेंट थी। कुछ दिन बाद लाइट रे को ट्रैक करके FBI के सारे मेंबर्स को मरवा देता है बाय यूजिंग द डेथ नोट, और बाद में लाइट रे को भी मार डालता है। इस इंसिडेंट के बाद ICPO एक कीरा टास्क फोर्स बनाता है जिसमें 5 मेंबर्स होते हैं और एल खुद को इनके सामने रिवील करता है। इस टास्क फोर्स में लाइट के फादर भी थे और वो चीफ ऑफ पुलिस भी होते हैं। रे की फियोंसे नायोमी टास्क फोर्स तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहती थी पर नायोमी को हेडक्वार्टर्स में लाइट मिल जाता है और अपनी सेफ्टी के लिए नायोमी खुद को मैकी के नाम से इंट्रोड्यूस करवाती है। इसीलिए जब लाइट मैकी नाम को डेथ नोट में लिखता है तो नायोमी को कुछ नहीं होता, पर एंड में लाइट नायोमी को यह कहकर ट्रिक कर देता है कि वो टास्क फोर्स का एक मेंबर है, जिससे नायोमी अपना रियल नेम लाइट को आइडेंटिफिकेशन के तौर पर रिवील कर देती है और लाइट नायोमी को डेथ नोट की मदद से सुसाइड करने पर मजबूर कर देता है। मरने से पहले नायोमी लाइट को अपनी थियरी बताती है कि कीरा अपने विक्टिम्स को सिर्फ हार्ट अटैक नहीं बल्कि किसी भी तरह से मार सकता है, और लाइट नहीं चाहता था कि ये इन्फॉर्मेशन टास्क फोर्स में किसी को भी मालूम पड़े। मीनवाइल टास्क फोर्स के मेंबर्स रे पिनबार के डेथ को एनालाइज करते हैं और रे जिन जिन पुलिस मेंबर्स के फैमिलीज को इन्वेस्टिगेट कर रहा था उनके घरों पर सर्वेलियंस कैमराज इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, पर लाइट नोटिस करता है कि उसके रूम में कोई आया था और उसे शक होता है कि उसके घर में कैमराज लगे हैं। रियुक की मदद से लाइट इन कैमराज को ढूंढ लेता है पर उसे कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं मिलता, यानी कि कैमराज हर जगह में इंस्टॉल हुए थे। इसीलिए लाइट एक चिप्स के बैग में डेथ नोट और एक मिनी टीवी को डाल देता है और पढ़ाई करते समय ही मिनी टीवी के थ्रू क्राइम्स के रिपोर्ट्स देखते देखते अपने लेफ्ट हैंड से क्रिमिनल्स का नाम डेथ नोट में लिखता रहता है, जिससे टास्क फोर्स वालों को कुछ एविडेंस नहीं मिलता। इवेंचुअली एल कैमराज को हटवा देता है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि लाइट अपना एंट्रेंस एग्जाम देता है जहां एल भी एग्जाम अटेंड करने आया था। बाद में एल लाइट को रिवील करता है कि वो एल है और एल लाइट से दोस्ती करना चाहता है ताकि एल लाइट के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर सके और वो प्रूव कर सके कि लाइट ही कीरा है। इसी बीच लाइट के फादर मिस्टर यागमी को एक जेन्युइन हार्ट अटैक आता है पर वो इवेंचुअली ठीक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोई इंसान कुछ न्यूज एंकर्स को शो के दौरान ही मार डालता है और वो किलर खुद को टीवी के थ्रू एक टेप से लोगों तक ये बात पहुंचाता है कि वो कीरा है और वो एक न्यू वर्ल्ड बनाना चाहता है। टास्क फोर्स का एक मेंबर न्यूज चैनल के बिल्डिंग में जा पहुंचता है पर बिल्डिंग के अंदर जाने से पहले ही उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। मिस्टर यागमी फिर एक वैन को लेकर न्यूज चैनल के बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और वो कीरा के टेप्स चैनल के हेड से ले जाते हैं जिन्हें बाद में एल एनालाइज करने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि ये सब काम लाइट का किया धरा नहीं था बल्कि ये एक सेकंड कीरा का काम था जिसके पास अपना एक डेथ नोट है और उसके साथ एक शिनिगामी भी है। एल लाइट को कीरा टास्क फोर्स में रिक्रूट करता है और लाइट की मदद से एल फेक कीरा को एक मैसेज भेजता है और ये फेक कीरा एक मॉडल है जिसका नाम मीसा होता है जो कि रियल कीरा से मिलना चाहती थी। मीसा के शिनिगामी का नाम रेम था और रेम मीसा को बताता है कि एक शिनिगामी की मौत तभी हो सकती है जब वो अपने पावर्स यूज करके किसी इंसान की जान बचाता है, और यहाँ हमें ये भी मालूम पड़ता है कि मीसा ने शिनिगामी आइस के बदले अपनी आधी लाइफ स्पैन रेम को ट्रेड कर दी थी। इसीलिए मीसा न्यूज चैनल बिल्डिंग में जाने वाले लोगों का चेहरा देखकर ही उन्हें मार सकती थी।
अब क्योंकि फेक कीरा यानी मीसा ओरिजिनल कीरा यानी लाइट से मिलना चाहती थी, तो टास्क फोर्स के मेंबर्स एक जगह डिसाइड करते हैं, पर ग्रुप में होने के बावजूद भी मीसा अपने शिनिगामी आईज की मदद से जान जाती है कि लाइट ही कीरा है, क्योंकि लाइट की लाइफ स्पैन मीसा को नहीं दिखती। असल में जिसके पास डेथ नोट होता है उनकी लाइफ स्पैन शिनिगामी आईज को भी नहीं दिखती। खैर, लाइट और मीसा मिलते हैं और मीसा लाइट से रिक्वेस्ट करती है कि लाइट मीसा को उसकी मदद करने के लिए अलाउ कर दे, और लाइट को कन्विंस करने के लिए मीसा अपना डेथ नोट लाइट को देती है, जिससे लाइट मीसा को अपनी हेल्प करने के लिए अलाउ कर देता है। लाइट मीसा का फेक बॉयफ्रेंड बनके मीसा को यूज़ करने के लिए डिसाइड करता है, पर मीसा का शिनिगामी रेम लाइट से कहता है कि अगर लाइट मीसा को हार्म करेगा तो रेम लाइट को मार देगा, इवन दो इससे रेम की मौत हो जाएगी। लाइट के कहने पर मीसा कीरा बनकर एक और टेप भेजती है, पर एल उस टेप को एनालाइज करके समझ जाता है कि कीरा और फेक कीरा मिल चुके हैं, क्योंकि यह फेक कीरा कीरा से मिलने के लिए डिमांड नहीं कर रही थी। लाइट मीसा के शिनिगामी रेम को कन्विंस कर देता है कि रेम एल को मार दे। जब मीसा एल और लाइट को उनके कॉलेज के पास मिलती है तो वो एल का रियल नेम अपने शिनिगामी आईज की मदद से जान लेती है, लेकिन इससे पहले कि मीसा लाइट को एल का रियल नेम बता पाती, मीसा को टास्क फोर्स वाले अरेस्ट कर लेते हैं। मीसा अरेस्ट होने के बाद रेम को उसे मार डालने के लिए कहती है, पर रेम मीसा को डेथ नोट की ओनरशिप छोड़ने के लिए कन्विंस कर लेता है, जिससे मीसा की डेथ नोट से रिलेटेड सारी मेमोरीज उसके माइंड से इरेज हो जाती है। रेम लाइट से मिलकर उसे कहता है कि अगर लाइट मीसा को जेल से नहीं निकालेगा तो वो लाइट को मार डालेगा, और लाइट एक प्लान बनाकर खुद को टास्क फोर्स के सामने ये कहकर सरेंडर कर देता है कि शायद वो कीड़ा है, पर उसे इस बात की अवेयरनेस नहीं है। सरेंडर होने से पहले राइट रियूक को इंस्ट्रक्ट करता है कि जेल में जब लाइट एक कोड वर्ड बोलेगा तो उसका ये मतलब होगा कि लाइट अपने डेथ नोट की ओनरशिप छोड़ रहा है, और जब लाइट जेल में होता है तो किसी भी क्रिमिनल की डेथ नहीं होती। लाइट फिर कोड वर्ड यूज़ करता है जिससे उसके माइंड से डेथ नोट की सारी मेमोरीज डिलीट हो जाती हैं, लेकिन 2 वीक्स बाद क्रिमिनल्स फिर से मरने लगते हैं। अब 1 मंथ बाद भी लाइट और मीसा जेल में हैं और क्रिमिनल्स की मौत होती जा रही थी विदाउट देयर नॉलेज, जिसके बाद एल लाइट और मीसा को रिलीज करने के लिए राजी हो जाता है। पर इससे पहले एल मिस्टर यागमी के साथ एक प्लान बनाता है, जिसके अनुसार मिस्टर यागमी लाइट और मीसा को ये कहकर एक जगह लेकर जाते हैं कि लाइट और मीसा को एग्जीक्यूट किया जाएगा। उस जगह पर पहुंचने से पहले ही मिस्टर यागमी लाइट को शूट कर देना चाहते हैं, क्योंकि भले ही उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, पर एल को अब भी लगता था कि लाइट ही कीड़ा है, और लाइट को मारने के बाद मिस्टर यागमी खुद को भी मार डालेंगे। पर लाइट और मीसा इस टेस्ट में पास हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास अब डेथ नोट की कोई मेमोरी नहीं थी, जिससे वो नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करते हैं, यानी कि प्रेशर के अंडर आने पर भी वो डेथ नोट के पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। लेकिन एल को फिर भी लाइट और मीसा के ऊपर शक रहता है, लेकिन उसे जबरन उन्हें रिलीज करना पड़ता है, लेकिन एल लाइट को खुद से हैंडकफ करके रखता है, यहां तक कि मीसा भी कीरा टास्क फोर्स के बिल्डिंग में ही रहती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ मिस्टीरियस बिजनेसमैन कीरा के बारे में डिस्कस करते हैं और ये बात करते हैं कि कीरा को नेक्स्ट किसे मारना चाहिए। अब ये कीरा जिसके पास डेथ नोट होता है वो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब देकर कीरा के ऊपर होने वाले इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप करवा देता है। अब पुलिस और टास्क फोर्स कीरा के ऊपर इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते, यानी कि पुलिस में रहते हुए अब टास्क फोर्स वाले कीरा के बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, जिससे टास्क फोर्स वाले अपना एक मेंबर को खो देते हैं, जो कि पुलिस की नौकरी अपने फैमिली नीड्स के लिए नहीं छोड़ सकता था। टास्क फोर्स वाले पुलिस के हेल्प के बिना योत्सुबा ग्रुप को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो कि वही बिजनेसमैन है जो कि कीरा के बारे में पहले डिस्कस कर रहा था। और टास्क फोर्स को योत्सुबा ग्रुप पे इसलिए शक होता है क्योंकि लास्ट कुछ मौतें सिर्फ उन लोगों की हुई थी जिनके मरने से योत्सुबा ग्रुप को बहुत ज़्यादा फायदा हो। एल टास्क फोर्स में 2 और लोगों को भी रिक्रूट करता है, जो कि एक चोर और एक कॉनमैन होते हैं। इसी बीच टास्क फोर्स का एक मेंबर मात्सुदा योत्सुबा के हेडक्वार्टर्स जा पहुंचता है, लेकिन मात्सुदा पकड़ा जाता है, और मात्सुदा ऐसे एक्ट करता है जैसे कि वो मीसा को प्रमोट कर रहा हो, क्योंकि वो मीसा का मैनेजर है और मीसा पास में ही शूटिंग कर रही है। इतना ही नहीं, मात्सुदा खुद को एक फेक नाम से भी इंट्रोड्यूस करता है ताकि कीरा उसके नाम को यूज़ करके मात्सुदा को ना मार सके। एल की मदद से मात्सुदा अपने डेथ को फेक करके योत्सुबा ग्रुप के हेडक्वार्टर से बाहर निकल जाता है, और एल के द्वारा रिक्रूट किया गया थीफ योत्सुबा के हेडक्वार्टर में घुस जाती है, जहां वो सर्विलियंस कैमरास वगैरह इम्प्लांट कर देती है, क्योंकि एल को शक होता है कि योत्सुबा ग्रुप के मेंबर्स में से ही कोई एक कीड़ा है।
टास्क फोर्स के मेंबर योत्सुवा ग्रुप के मीटिंग को इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि वो ये जान सके कि कीरा का नेक्स्ट विक्टिम कौन होगा। और जहां एल ये वेट करके देखना चाहता है कि इफ जिन विक्टिम्स का नाम मीटिंग में लिया गया है उनकी मौत होती है, लाइट योत्सुवा ग्रुप के एक मेंबर को फोन करके उसे कन्विंस कर लेता है कि वो टास्क फोर्स की मदद करे। और ये आदमी योत्सुवा मेंबर्स को कन्विंस कर लेता है कि उन्हें अपने विक्टिम्स को मारने से पहले थोड़ा वेट करना चाहिए। एल अब मीसा को उनकी मदद करने के लिए रिक्रूट करता है और मीसा योत्सुवा ग्रुप को इन्फिल्ट्रेट करती है एज ए स्पोक्स पर्सन फॉर देयर कंपनी। पर तभी रिम मीसा को देखता है और वो योत्सुवा ग्रुप के कीरा के डेथ नोट से एक छोटा सा पेपर लेकर मीसा को टच कर लेता है, जिससे मीसा रिम को देख पाती है। रिम मीसा को उनकी सिचुएशन समझाता है क्योंकि मीसा अपनी डेथ नोट से रिलेटेड मेमोरीज रिगेन नहीं करती है, और रिम मीसा को यह भी बताता है कि योत्सुवा ग्रुप में कीरा कौन है। मीसा अब एक प्लान बनाती है और वो योत्सुवा ग्रुप के एक मेंबर हिगुची को ये कन्फेस करते हुए रिकॉर्ड कर लेती है कि हिगुची ही कीरा है। इतना ही नहीं, मीसा हिगुची को कीरा होने का प्रूफ मांगती है और हिगुची से कहती है कि अगर वो कीरा है तो वो अपने नेक्स्ट विक्टिम्स को नहीं मारेगा। टास्क फोर्स वाले अब मात्सुदा को यूज करके हिगुची के खिलाफ प्रूफ कलेक्ट करना चाहते हैं और इसमें टास्क फोर्स की मदद योत्सुवा ग्रुप के कुछ मेंबर्स करते हैं जो कि कीरा के आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते थे। अब आपको याद होगा कि मात्सुदा ने योत्सुवा के हेडक्वार्टर्स में अपना झूठा नाम बताया था, इसलिए जब हिगुची ने उसे मारने की कोशिश की थी तो मात्सुदा की मौत नहीं हुई। जब हिगुची मात्सुदा को टीवी पर जिंदा देखता है और ये सुनता है कि वो कीरा की आइडेंटिटी रिवील करने वाला है तो हिगुची परेशान हो जाता है और वो पूरी कोशिश करता है कि वो मात्सुदा की रियल आइडेंटिटी जान सके। मीनवाइल टास्क फोर्स ने हिगुची के कार में कैमरास इंस्टॉल कर दिए थे जिससे वो हिगुची के सारे एक्शंस को नोटिस कर पा रहे थे, और एल नोटिस करता है कि हिगुची किसी इनविजिबल एंटिटी से बातें कर रहा है जो और कोई नहीं बल्कि रेम था, पर रेम टास्क फोर्स वालों को दिखाई नहीं दे रहा था। इतना ही नहीं, एल ये भी देखता है कि हिगुची एक नोटबुक में मात्सुदा का फेक नेम लिखता है जो कि टास्क फोर्स ने मात्सुदा के प्रोटेक्शन के लिए डिवाइस किया था। पर जब मात्सुदा को कुछ नहीं होता और वो टीवी पर जिंदा दिखाई देता है तो हिगुची रियलाइज करता है कि ये नेम भी फेक है। जब हिगुची को मात्सुदा का रियल नेम नहीं पता चलता तो वो फाइनली रेम से शिनिगामी आइज की डील कर लेता है और मात्सुदा को मारने के लिए टीवी चैनल के ऑफिस जा पहुंचता है, पर वहां वो देखता है कि मात्सुदा की जगह एक मैनेक्विन स्टूडियो में बैठा है। तभी टास्क फोर्स के कुछ मेंबर्स अपना फेस कवर करके हिगुची को पकड़ने आ जाते हैं, पर हिगुची किसी तरह वहां से भाग निकलता है। रास्ते में ही हिगुची को एक तरफ से टास्क फोर्स के मेंबर्स और दूसरी तरफ से पुलिस कॉर्नर कर लेती है, और पुलिस वालों का हेड एक्चुअली में टास्क फोर्स का ही एक एक्स मेंबर होता है। खैर, कैप्चर होने के बाद हिगुची डेथ नोट के बारे में टास्क फोर्स को रिवील करता है, और जब एल हिगुची का डेथ नोट छूता है तो वो रेम को देख पाता है। इसके बाद एल डेथ नोट को लाइट की तरफ पास करता है और लाइट के डेथ नोट को छूते ही उसकी सारी मेमोरीज वापस आ जाती हैं। अब एक फ्लैशबैक में हम ये देखते हैं कि लाइट ने खुद को एल के सामने सरेंडर करने से पहले र्यूक और रेम को अपने डेथ नोट्स एक्सचेंज करने को कहे थे, और र्यूक ने रेम का डेथ नोट एक जगह पर बरी कर दिया था। इतना ही नहीं, लाइट ने र्यूक से कहकर डेथ नोट में कुछ फेक रूल्स लिस्ट करवाए थे जिसके हिसाब से अगर कोई डेथ नोट को 13 दिन तक इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसकी मौत हो जाएगी, और ऐसा लाइट ने इसीलिए किया था क्योंकि ये रूल लाइट और मीसा को इनोसेंट प्रूव कर देगा जो कि जेल में एक मंथ से ज़्यादा टाइम रहे थे। एनीवेज, इसके बाद लाइट ने रेम को ये डेथ नोट किसी ऐसे इंसान को देने के लिए कहा था जो कि मोरली करप्ट हो, और इस तरह हिगुची के पास वो डेथ नोट आ गया था जो कि लाइट के जेल में होते हुए भी कीरा के क्रिमिनल्स को मारने का काम कंटिन्यू कर रहा था। इतना ही नहीं, आपको याद होगा कि लाइट जेल में एक कोड वर्ड कहकर डेथ नोट की ओनरशिप छोड़ देता है जिससे वो सारे मेमोरीज को खो देता है, और फिर लाइट अपनी पूरी शक्ति नए कीरा यानी कि हिगुची को पकड़ने में लगा देता है। सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहां अब लाइट को उसके प्लान के बारे में याद आ जाता है और वो अपने वॉच में छुपाए एक डेथ नोट के पीस पर हिगुची का नाम लिखकर उसे मार डालता है। अब यहां कुछ लोगों के मन में ये डाउट आ सकता है कि मीसा की मेमोरी वापस क्यों नहीं आई थी अगर लाइट की आ गई, तो ऐसा इसीलिए क्योंकि लाइट ने रेम और र्यूक के डेथ नोट्स एक्सचेंज कर दिए थे, तो इसीलिए जिस डेथ नोट के पीस को मीसा ने टच किया था वो एक्चुअली लाइट का डेथ नोट था और मीसा का नहीं, जिसकी वजह से मीसा की मेमोरी वापस नहीं आई थी। खैर, लाइट अब मीसा को र्यूक के द्वारा बरी किया गया नोटबुक लाने को कहता है और मीसा के इस डेथ नोट को छूते ही उसकी सारी मेमोरीज वापस आ जाती है, पर मीसा के पास अब उसकी शिनिगामी आईज नहीं थी। इस डेथ नोट में मीसा को लाइट के द्वारा लिखा गया एक लेटर मिलता है जिसमें लाइट ने यह इंस्ट्रक्शन दिया था कि मीसा को एल का रियल नेम डेथ नोट में लिखना होगा जो कि मीसा ने जेल में जाने से पहले शिनिगामी आईज के थ्रू देख लिया था, पर मीसा को अब एल का रियल नेम याद ही नहीं था।
और इसीलिए मीसा रियुक के साथ फिर से शिनिगामी आइज की डील करती है, जिससे वो अपने बचे खुचे हुए लाइफ स्पैन का फिर से आधा हिस्सा रियुक को दे देती है। लाइट अब मीसा को उसके बिहाफ में क्रिमिनल्स को मारने की जिम्मेदारी देता है और रेम मीसा को लेकर परेशान होने लगता है क्योंकि शी वॉज बींग यूज बाई लाइट। मीनवाइल एल को 13 डेज वाले रूल पे शक होने लगता है, जिसे वो टेस्ट करना चाहता था, और इसके लिए एल एक प्रिजनर को डेथ नोट यूज कराने के लिए प्लान बनाता है। पर इससे पहले कि एल अपना प्लान कंप्लीट कर सके, रेम अपने डेथ नोट में एल का रियल नेम लिखकर उसे मार डालता है। रेम ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो मीसा को बचाना चाहता था, पर ऐसा करने से रेम भी मारा जाता है क्योंकि शिनिगामी को किसी भी इंसान को बचाना अलाउड नहीं था। अब एल के मौत के बाद लाइट के सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था और वो क्रिमिनल्स को मार कर अपने न्यू वर्ल्ड को बनाने का प्लान कंटिन्यू करने लगता है। लाइट खुद को अपने इस न्यू वर्ल्ड का गॉड समझता है और तभी सीन शिफ्ट होकर शिनिगामी रियल में रियुक को दिखाता है, जिसके डेथ नोट में लाइट का नाम लिखा गया था। असल में रियुक अब तक लाइट की कहानी एक और शिनिगामी को बता रहा था और रियुक देखता है कि वो शिनिगामी वहां से जा चुका है। अपने मोनोलॉग में रियुक कहता है कि लाइट तब गॉड नहीं था बल्कि कुछ और था, और उस शिनिगामी के जाने के बाद रियुक उस शिनिगामी से अपने मन में बातें करता है। रियुक उसे कहता है कि गिव इट अ शॉट एंड इफ यू आर लकी सम गाय विल पिक अप योर डेथ नोट एंड यू विल हैव एन अनफॉरगेटेबल मेमोरी राइट लाइट। तो सवाल ये है कि जब लाइट जिंदा है तो रियुक के डेथ नोट में लाइट का नाम कैसे है, और एंड में रियुक ऐसे क्यों बातें करता है एज इफ लाइट उसके आसपास है, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये कि आखिर अर्थ में कितने डेथ नोट्स थे। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर इन सब के आंसर्स पाने के लिए आपको डेथ नोट के सेकेंड पार्ट का वेट करना होगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। एक बात और कि अगर आपको ये वीडियो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगी हो तो मैं अगली पार्ट को बहुत ही इलेबोरेट वे में एक्सप्लेन करूंगा, तो आप मुझे कमेंट में ये भी लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो समझ में आई या फिर आपको ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगी। जाने से पहले आप द लोगी चैनल के वीडियोस को प्लीज़ चेक कीजिए, और अगर पसंद आती है तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वहाँ मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं बहुत ही अच्छे से और भी आगे अमेजिंग वीडियोस लाता रहूँगा। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। जाने से पहले हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।